शार्प पेंसिल डिज़ाइन स्टूडियो में आपका स्वागत है, जहां हम मिलाते हैं क्रिएटिविटी को एक्सीलेंस से और सपनों को मिलती है हकीकत की उड़ान। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में जो निफ्ट ऑफर करता है, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट का नेटवर्क 19 संस्थानों तक पहुंच चुका है। उन्होंने पहले क्या किया है? मैं निफ्ट की पास आउट हूँ। निफ्ट गांधीनगर से मैंने ज्वेलरी डिजाइन सीखा, वहाँ वो मेरा स्पेशलाइजेशन था। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अक्सर सपनों को पूरा करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है और शिक्षा के क्षेत्र में यह कहावत सच में अफेक्ट करती है। इसलिए हम लेकर आए हैं ये डिटेल्ड वीडियो जो आपको फाइनेंशियल जानकारी देगा, ताकि आप बेफिक्र होकर निफ्ट की तैयारी कर पाएं और आगे बढ़ पाएं। निफ्ट कई तरह के स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है और निफ्ट जैसे इंस्टीट्यूशन में स्कॉलरशिप का मिलना न केवल कैंडिडेट्स को आर्थिक मदद करता है, बल्कि एक प्लेटफॉर्म के लिए आत्मविश्वास भी देता है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट की। निफ्ट दो मुख्य कारणों पर स्कॉलरशिप देता है, जो कि है मेरिट योग्यता और नीट यानी जरूरत। और सबसे जरूरी बात, जो भी स्कॉलरशिप दी जाती है वो केवल ट्यूशन फी पर दी जाती है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं सार्थक निफ्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के बारे में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पॉज करके आप एक पेन पेपर ले आइए, जो कि आगे की इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करने में सहायक होंगे। अब इस स्कीम के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स जो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिनकी पेरेंटल आय 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है, उन्हें 100% तक स्कॉलरशिप ट्यूशन फी पर मिलती है। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो बैचलर के लिए अप्लाई तो कर रहे हैं, जिनकी पेरेंटल आय 2.5 लाख रुपए है, उन्हें 75% तक की स्कॉलरशिप मिलती है ट्यूशन फी पर। और ऐसे स्टूडेंट्स जो बैचलर के लिए अप्लाई तो कर रहे हैं, जिनकी पेरेंटल आय 4 लाख रुपए प्रति वर्ष तक है, उन्हें 50% तक स्कॉलरशिप मिलती है ट्यूशन फी पर। अब आइए देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे कैंडिडेट्स के लिए कैसे नियम है। ऐसे स्टूडेंट्स जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिनकी पेरेंटल आय 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक है, उन्हें 75% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है ट्यूशन फी पर। वहीं ऐसे स्टूडेंट्स जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिनकी पेरेंटल आय 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक है, उन्हें 50% तक स्कॉलरशिप मिलती है ट्यूशन फी पर। अंत में ऐसे स्टूडेंट्स जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिनकी पेरेंटल आय 4 लाख रुपए प्रति वर्ष तक है, उन्हें मिलती है 25% स्कॉलरशिप ट्यूशन फी पर। अब आइए जानते हैं इनके स्कीम के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप अंडर ग्रेजुएशन से हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन से, या फिर इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आपकी रैंक कितनी आई थी या मार्क्स कितने आए थे एंट्रेंस एग्जाम में, आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है, अब जैसे कि वीडियो में हमने पहले डिस्कस की थी, आपके पेरेंट्स के इनकम स्लैब दिए गए कंडीशंस के अंडर फॉल करने चाहिए। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि सभी कैंडिडेट्स जो भी इन कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं, वो स्कॉलरशिप के लिए फर्स्ट ईयर में ही अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ और ज़रूरी पॉइंट ये कहता है कि अब जिन भी बच्चों को सार्थक स्कॉलरशिप अगर फर्स्ट ईयर में मिल जाता है, वो उसे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको 6 SGPA को मेंटेन करना पड़ेगा कम से कम 2 सेमेस्टर्स तक लगातार। SGPA का फुल फॉर्म होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर किसी पोस्ट ग्रेजुएशन के कैंडिडेट को सार्थक स्कॉलरशिप मिलता है फर्स्ट ईयर में, तो उसे सेकेंड ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। उसके लिए भी उसे 6 SGPA लगातार 2 सेमेस्टर्स में मेंटेन करना पड़ेगा। अब सिक्स्थ और ज़रूरी पॉइंट ये पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए है कि आपकी एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग कमिटी तभी मान्य करेंगे जब ये सिद्ध हो पाए कि बैंक लोन्स लेने के लिए जो भी कोलेटरल्स बैंक में सबमिट किए जाते हैं, आप उसे सबमिट करने में असक्षम हैं।
8th पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट अटेंडेंस कम होने की वजह से फेल हो जाता है तो उस केस में स्कॉलरशिप रद्द कर दिया जाएगा और कैंडिडेट को आने वाले सेमेस्टर्स के लिए स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। 9th पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस बात को हाईलाइट करता है कि अगर किसी कैंडिडेट की सेमेस्टर रिपीट स्वास्थ्य के कारण होती है तो उस केस में स्कॉलरशिप रद्द नहीं की जाएगी और उसे स्कॉलरशिप फिर भी मिलेगी। 10th पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई कैंडिडेट जिसे स्कॉलरशिप मिली है वो किसी ऐसे एक्टिविटी में पकड़ा जाए जो इंस्टीट्यूशन के नियम का उल्लंघन करता है या दंडनीय है तो उस केस में स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। 11th पॉइंट ये कहता है कि अगर आप सार्थक स्कीम के लाभ उठा रहे हैं और उसके अलावा किसी अन्य स्कीम के लाभार्थी आप बनना चाह रहे हैं, जैसे कि कोई और सोर्स से एजुकेशन लोन लेना जिसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार सहायक हैं, तो उस केस में आप सार्थक स्कीम को अवेल नहीं कर पाएंगे। 12वीं और आखिरी पॉइंट इस बात को हाईलाइट करता है कि अगर कैंडिडेट की संख्या कैप के ऊपर चली जाती है जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा निर्धारित की जाती है तो उस केस में उन्हीं कैंडिडेट्स को लाभार्थी माना जाएगा जिनके पेरेंट्स की इनकम लोएस्ट है। अब आइए नजर डालते हैं कि सार्थक स्कीम के नियम तो समझ लिए लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करने पड़ेंगे। अब सबसे पहले कैंडिडेट को यह फॉर्म भरना होगा जो अभी आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप उसे वीडियो के एंड में जाकर भर सकते हैं। अब जैसा किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में होता है, अगर आप इस फॉर्म के किसी भी सेक्शन या खंड को किसी भी कारण खाली छोड़ देते हैं तो वो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन माना जाएगा और आपकी एप्लीकेशन सिस्टम में इनकम्प्लीट मार्क कर दी जाएगी। तो बहुत ध्यान से पढ़कर इसे भरें। कैंडिडेट्स को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अटैच किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स अगर जाली या अवैध पाए गए तो उसे दंडनीय माना जाएगा और कैंडिडेट्स को पेनल्टी भी भरना पड़ सकता है। अब आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट्स जो हमें अटैच करने हैं। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर, इनकम डिक्लेरेशन फॉर्म एफिडेविट फॉर्मेट बी जो कि 10 रुपए की नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर होना चाहिए, उसे दोनों पेरेंट को सबमिट करना पड़ेगा। आपको परमानेंट रेसिडेंस का प्रमाण पत्र भी जमा करना पड़ेगा। कैंडिडेट के पैन कार्ड की कॉपी और पेरेंट्स के पैन कार्ड की फोटोकॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी। अगर कैंडिडेट पेरेंट या गार्जियन के पास पैन कार्ड नहीं है तब उस केस में एफिडेविट जमा करना पड़ेगा। कैंडिडेट को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट क्लास 10th और 12th और उस स्कूल के फी भरने के प्रमाण को भी सबमिट करना पड़ेगा। कैंडिडेट के करंट सेमेस्टर के ट्यूशन फी की रिसिप्ट जो कि जुलाई से दिसंबर महीने की है वो भी सबमिट करनी पड़ेगी। कैंडिडेट्स को फॉर्मेट सी जिसमें आपके एग्रीकल्चर लैंड और अन्य प्रॉपर्टी की जानकारी है और जिसमें सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हों और आपके पेरेंट्स द्वारा साइन किया गया हो वो भी सबमिट करना पड़ेगा। और आखिर में 12 महीनों के बैंक स्टेटमेंट उन अकाउंट्स के जिसको आपने फॉर्मेट सी डॉक्यूमेंट में मेंशन किया था वो भी सबमिट करना पड़ेगा। आपको कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स के कॉपी भी सबमिट करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। अब आपको 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। फॉर्म 16 उनके लिए जो कि सैलरीड कैटेगरी में आते हैं और फॉर्म 16A उनके लिए जो किसी उद्योग के मालिक हैं। अगर आपके नाम किसी भी प्रकार का वाहन है, 2-व्हीलर 4-व्हीलर या कमर्शियल वाहन, तो उस केस में आपको वाहन की रजिस्ट्रेशन की कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आपके नाम कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको उसकी तहसीलदार सर्टिफिकेट को जमा करना होगा और उसके साथ सर्टिफाइड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के भी दस्तावेज जमा करने होंगे जैसे कि खसरा, खतौनी अथवा अन्य। अगर आप किसी अन्य स्कॉलरशिप के लाभार्थी हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स अथवा स्पॉन्सरशिप की रिसिप्ट को भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप ST, SC, OBC या PHP कैटेगरी में आते हैं तो उसकी भी सर्टिफिकेट आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अब इन सभी आयामों को समझने के बाद आइए समझते हैं कि स्कॉलरशिप के अप्रूवल और जांच की प्रक्रिया क्या है। अब एप्लीकेशंस की जांच मुख्य तौर पर 2 लेवल्स में की जाती है। पहले लेवल में सभी एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स की जांच मैन्युअली की जाती है जो कि कैंपस के डायरेक्टर द्वारा किया जाता है, जहां ये देखा जाता है कि आपका एप्लीकेशन वैलिड है कि नहीं, उसमें कोई एरर्स तो नहीं है, क्या एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी है, और फिर अन्य डॉक्यूमेंट्स की भी जांच होती है जैसे कि
इनकम के दिखाए गए सोर्सेज मान्य हैं कि नहीं, एग्रीकल्चर डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस अथवा रेंट के डॉक्यूमेंट्स की डिटेल में पुष्टि की जाती है। अंततः जांच कमेटी डायरेक्टर के अप्रूवल को लेकर फाइल को आगे या दूसरे लेवल पर भेजते हैं। अब दूसरे लेवल में कैंडिडेट के साथ एक स्क्रीनिंग राउंड किया जाता है, जहां उसके साथ बात की जाती है और कई सवाल पूछे जाते हैं। जवाबों के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी फॉर्मेट ई के साथ मेल करके अपना फाइनल डिसीजन फिर सबमिट कर देती है। अब कुछ ज़रूरी बातें जो आपको जान लेनी चाहिए। हर एक कैंडिडेट को सेमेस्टर वन की फ़ी पूरी पे करनी पड़ेगी। आर्थिक सहायता अगर किसी कैंडिडेट को मिलती भी है तो वो अगले सेमेस्टर से मान्य की जाएगी। जॉइंट डायरेक्टर और एसडैक जॉइंटली एक सर्टिफिकेट स्टूडेंट को देते हैं, जो प्रमाण होता है कैंडिडेट के आर्थिक सहायता का। ये सर्टिफिकेट अंकित और साइंड होती है कैंडिडेट के मदद के लिए। इसे कलर्ड पेपर पर प्रिंट किया जाता है जो कि कोडेड होता है। अब ये सर्टिफिकेट आपको केवल तभी इश्यू होता है जब कैंपस के डायरेक्टर ने इसे अप्रूव कर दिया हो। अब कुछ अन्य नियमों को भी समझ लेना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि कैंडिडेट्स जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं और किसी कारणवश वो पहले साल स्कॉलरशिप का लाभ नहीं उठा पाए, वो बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस केस में स्कॉलरशिप मिलने की संभावना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि अधिकांश स्कॉलरशिप का कैप पहले ही ओवर हो चुका होता है। बीते सालों में ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं जब कैंडिडेट को अचानक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि उसके घर में कमाने वाले या परिजन या गार्जियन की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। ऐसे केसेस में कैंडिडेट स्कॉलरशिप के लिए मिड टर्म के बीच में भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के सहयोग से और कैंपस डायरेक्टर के अप्रूवल से बिल्कुल हो सकता है। तो आइए स्कॉलरशिप मिलने का टाइमलाइन समझ लेते हैं। हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि ये टेबल निफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है, जिसके नियम अलग अलग कैंपस के लिए बदल भी सकते हैं। लास्ट वीक ऑफ जुलाई में स्कीम के अनाउंसमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म इशू कर दी जाती है। अब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर वाले कैंडिडेट्स के लिए जो टाइमलाइन निर्धारित किए गए हैं वो ये हैं। अब इन कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिशन बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ 30th अप्रैल तक करनी पड़ती है। सो सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि निफ्ट स्कॉलरशिप की फैसिलिटी बहुत से टैलेंटेड एस्पिरेंट के लिए बहुत सहायक, या यूँ कहें कि गेम चेंजर है, जो ना केवल आर्थिक सहायता देता है बल्कि एस्पिरेंट्स को फैशन और डिज़ाइन के वर्ल्ड में एक पहचान बनाने का आत्मविश्वास भी देता है। तो अगर आप उनमें से हैं जो इस साल निफ्ट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो हम यानी शार्प पेंसिल डिज़ाइन स्टूडियो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आप अपने ड्रीम कॉलेज तक और भी आसानी से पहुंच पाएं। आपको केवल 3 आसान से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्वेरी फॉर्म को भरना है। उसके बाद आपको एक फ्री करियर काउंसलिंग हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ लेनी होगी और एक आसान सा स्कॉलरशिप टेस्ट देना होगा, जो कि 35 मार्क्स का होता है, और जैसा रिजल्ट आता है हम आपको उतने परसेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए अभी क्वेरी फॉर्म भरिए। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, जो कि स्कॉलरशिप पर आधारित होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।